वे पैड़ियो टिकटॉक वालियो, मैं इन्नी मेहनत करना स्टेप ला ला के लोगों के चेहरे से समाइल लियाना, तुसी मेरा ही अकाउंट बैन करता। वे पैड़ियो अनबैन कर दो, मैं स्टेप लाने ने। ये है चंदू स्मार्ट टिकटॉकर, जिन्होंने ख्वाजा सराकर रोल करके करोड़ों लोगों को अपना फैन बना लिया, लेकिन टिकटॉक ने इनका अकाउंट बैन कर दिया। ये एक्स्ट्रा टैलेंट इनके अंदर कैसे आया, जानते हैं टिकटॉक स्टार चंदू की जुबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ओमेन एंटरटेनमेंट टीवी, मैं हूं मुर्तजा सैयद, हमारे साथ चंदू स्मार्ट टिकटॉकर है, जो कि आजकल टिकटॉक में इन्होंने अन्नी मचाई हुई है, ये हम कह सकते हैं। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चंदू भाई कैसे हैं आप? मैं आपके सामने फिट फाट। चंदू भाई, ये कहाँ से आया एक्स्ट्रा टैलेंट आपके अंदर? सही पूछो, मैं ना टिकटॉक वीडियो तो 4-5 साल से बना रहा हूँ, तो मैं ना बहुत ना परेशान था, मेरा ना कॉन्टैक्ट डेड हो चुका था, मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूं। तो मेरा एक दोस्त है जिसका नाम, क्या नाम है उसका यार, मेरे साथ काम करता है इस वक्त, मुझे भूल गया नाम, तो वो उसे मैंने कहा यार मैं परेशान हूं, मेरा ना 1 मिलियन हो नहीं रहा। उसने कहा यार ये वाला करेक्टर करते हैं, आप आना और एक्शन में कहना कि यार फलानी जगह जाना कैसे है। वो मैंने कहा था वे पैड़ यार मिठाई वाली दुकान कितने है, और वो कहता साल है ऐ दो गलियां छड़ के नाल ही है। वो ना तकरीबन 19 मिलियन व्यू है उसके, उसका नाम मुताहर है, याद आ गया, मुताहर ने ये करैक्टर दिया था, और अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे मेरी मुझे आकर दुकान पर तंग करते हैं, वो कहते हैं वे पैड़ यार एक स्टेप ते ला, मैं बड़ी खुशी भी होती है कि बच्चों को याद है, तो इसी तरह लगे हुए हैं जी इंशाल्लाह। अभी कितने फॉलोअर हुए आपके? अभी मेरे फॉलोअर थे 1.7 मिलियन, और मैं काफ़ी ऊपर जा रहा था, लेकिन टिकटॉक की मेहरबानी से ना मेरा यार अकाउंट बैन हो चुका है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह करे वो ओपन हो जाए, आपकी दुआओं की वजह से अल्लाह करे वो ओपन हो जाए। आप मुझे एक बात बताएं, आपका तो चंद दिन पहले मैंने आपकी वीडियो देखी, अकाउंट कब बैन हुआ आपका? मेरा 15 दिन हो गया, लेकिन मेरे ना फेक अकाउंट बहुत ज़्यादा हैं, लोग वहाँ पर ही पोस्ट करें, मैंने न्यू अकाउंट बनाया चंदू स्मार्ट 100 के नाम से, तो अब वहाँ पर मैं पोस्ट कर रहा हूँ वीडियो। जैसे आप स्टेप है, स्टेप के स्टाइल में जरा टिकटॉक वालों को कहें कि आपको अकाउंट अनबैन करें। वे पैड़ियो टिकटॉक वालियो, मैं इन्नी मेहनत करना स्टेप ला ला के लोगों के चेहरे से समाइल लियाना, तुसी मेरा ही अकाउंट बैन करता। वे पैड़ियो अनबैन कर दो, मैं स्टेप लाने ने। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त, जो देखने वाले लोग उन्हें आप क्या मैसेज देंगे? मैं यही देना चाहूँगा मैसेज कि यार आपकी खुशी के लिए बनाते हैं, तो बहुत से लोग होते हैं जो अप्रिशिएट करते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं कि ये कहाँ है ये वो जो सुन नहीं बंदा सकता, तो बहुत दुख होता है यार, हम आपके लिए करते हैं, आप परेशान होते हैं, आप परेशानी में हमारी वीडियो देखते हैं तो आपके चेहरे पर स्माइल आती है, तो प्लीज़ अच्छे कमेंट किया करें और अपनी दुआ में याद रखा करें, तो इसी तरह प्यार देते रहे। अच्छा, जिनके काम लाइक्स और फॉलोवर टिकटॉक पे, लोग फेम ज़्यादा कहते हैं, हमारे फॉलोवर ज़्यादा, उन्हें क्या मैसेज देंगे आप? भाई मैं एक ही बात करूँगा कि बहुत से लोग कहते हैं यार फेमस टिकटॉकर के साथ वीडियो बनाते हैं तो वायरल हो जाएंगे, भाई वो वीडियो वायरल तो हो जाएगी, लेकिन वो आपकी वजह से नहीं, उस बंदे की वजह से वायरल होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका चेहरा वायरल हो, आप अच्छे से अच्छा कॉन्टेंट बनाते जाएँ, आपको लाइक व्यू कम मिल रहे हैं ना, टेंशन ना लें, एक भी वीडियो क्लिक हो गई तो आप छा जाएंगे, बस ये मेहनत जारी रखें, अल्लाह जरूर कामयाब करेगा। अच्छा, ताजमहल का आज सॉन्ग रिलीज होने जा रहा है, बल्कि वो भी क्या है, ताजमहल के बारे में क्या कहेंगे आप? ताहा भाई यार मैं उससे मिला हूँ, फर्स्ट में मुलाकात थी तो उन्होंने बुलाया है, और उन्होंने मेरी वीडियो भी देखी हुई थी, और उनका सॉन्ग के बारे में यही कहूँगा कि लाजवाब सॉन्ग है यार, तो जो साथ लड़की थी उन्होंने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिया और बहुत अच्छा गाना है, तो आप भी जरूर जाकर देखें। ताहा भाई के लिए मैं यही कहूँगा कि ये गाना और खूबसूरत हो सकता था अगर एक स्टेप मेरा लग जाता उसमें, तो वे पैड़ है मुर्तजा मुर्तजा है, मेरा इंटरव्यू लाजमी पोस्ट करी, मैं जरूर देखांगा। जी जी जरूर, थैंक यू सो मच।